नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी है एसएससी सीजीएल रिजल्ट को लेकर के। बहुत से कैंडिडेट के मन में ये सवाल है कि क्या अप्रैल माह के अंदर एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आएगा या फिर इसको मई माह के लिए डिले कर दिया गया है। इन सभी बातों को हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल प्री का एग्जाम मार्च मंथ के अंदर 3 से 9 मार्च के बीच में कंडक्ट करवाया गया था। एसएससी सीजीएल के लिए 25 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, जिसमें से करीब करीब 10 लाख कैंडिडेट ने ये एग्जाम दिया था। देखिए दोस्तों, जो एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके अंदर बताया गया था कि मार्च मंथ के अंदर एग्जाम को कंडक्ट करवाने के बाद अप्रैल माह के अंदर इसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, COVID-19 लॉकडाउन की वजह से अभी आयोग बंद है, जिसकी वजह से इस रिज़ल्ट को थोड़ा डिले कर दिया गया है, जिसकी वजह से यह रिज़ल्ट मई माह के लास्ट तक अनाउंस करने का नोटिफिकेशन अभी आया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अगर यह रिज़ल्ट मई माह के लास्ट में अनाउंस नहीं किया गया तो ये रिज़ल्ट जून माह के फर्स्ट वीक के अंदर अनाउंस कर दिया जाएगा। और दोस्तों, एसएससी ने सीजीएल प्री के लिए आंसर की पहले ही रिलीज कर दी थी। अगर दोस्तों आपको जानना है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद सीजीएल की कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आई बटन पर मैंने उसको डाल दिया है, आप जा करके देख सकते हो। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी जानकारी थी एसएससी सीजीएल रिजल्ट को लेकर के। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।